भारतीय टीम के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। अपने ट्वीट में भज्जी ने लिखा, सभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं और आज मैं उस खेल से विदा ले रहा हूं जिसने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस 23 साल की लंबी यात्रा को सुंदर और यादगार बनाया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो ऐसे में हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ये फैसला किया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट से हरभजन सिंह ने संन्यास लिया है। ट्वीट भी देख सकते हैं, इस ट्वीट के जरिए ही उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। कहा है कि 23 साल का सफर बेहद शानदार रहा और उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में किशोरी जो दुष्कर्म पीड़िता रही उसे भगाने का मुकदमा गोसाईगंज थाने में दर्ज किया गया था। मामले में बाल कल्याण समिति की तरफ से पीड़िता गर्भवती का प्रसव सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में कराया गया था और बच्चे को गोपनीय ढंग से पदाधिकारियों की शह पर बेच दिया गया था। एक पीड़िता को भगा ले जाने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 125/21 धारा 376 506 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट लिखा गया था जिसमें पीड़िता की बरामदगी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पीड़िता बरामदगी के समय गर्भवती थी जिसे बाल कल्याण समिति के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो बाल कल्याण समिति ने पीड़िता को उसकी मां की अभिरक्षा में प्रसव होने तक दे दिया था तथा प्रसव को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। लक्सा में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लक्सा पुलिस लगातार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। लक्सा पुलिस ने मोहम्मदपुर कुनहारी निवासी असाद मलिक नाम के एक युवक को 9 ग्राम से ज़्यादा स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें, पकड़े गए युवक के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2000 नगद, एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। युवक के खिलाफ NTPS की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। दिसंबर को चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर अंगूर के द्वारा एक स्मगलर असद निवासी कुनहारी को पकड़ा गया था जिसके कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपये और एक मोबाइल बरामद हुआ था। उसको NDPS एक्ट में दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। चमोली के घाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव घुनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतकों में परिवार के मुखिया, उनकी पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। मौके पर उप जिलाधिकारी चमोली सहित राजस्व रेगुलर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तो चमोली का ये पूरा मामला है जहां पर रस्सी से लटका हुआ घर के मुखिया का शव मिला। साथ ही आपको बता दें कि सभी की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में। घर के मुखिया, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि मौत किस वजह से हुई, क्या इसके पीछे पूरी वजह रही, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। ये कार्यकर्ता एक जूस कॉर्नर के सामने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे थे। इनका आरोप है कि दूसरे समुदाय के युवक ने न्यू साई के नाम से जूस कॉर्नर खोला हुआ है जहां से वो युवक लव जिहाद कर रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इस जूस कॉर्नर पर काम करने वाला मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। हिंदू इलाके में चल रही इस तरह की गतिविधि को बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके चलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए जबरदस्ती दुकान बंद करा दी। भैया, ये जो साईं आप देख रहे हो, साईं जूस सेंटर के नाम से दुकान खोल रखी, 10-12 साल से है दुकान ये, और ये दुकान एक मुसलमान सब्बू नाम है इसका, इसने खोल रखी 10-12 साल से, और हिंदू एरिया में हिंदू नाम से दुकान खोल रखी। मुरादाबाद शहर में ऐसी कई दुकानें हैं जो हिंदू एरिया में खुली हुई हैं, लगभग
आज जैसे जितने भी घटनाएं होती हैं इन्हीं संस्थानों से होती हैं जो मुसलमानों द्वारा खोली गई हैं। यहाँ पर आके पूछा गया, बातचीत की गई कि दुकान किसकी है। इनने जो है हिंदू लड़के रख रखे हैं इस आदमी ने, जिससे कि किसी को कोई आपत्ति ना हो। और पहले भी एक दो बार मतलब इस जो मुसलमान लड़के रख रखे थे उन्हें मोहल्ले के अभी स्थानीय निवासियों से पता चला है कि मोहल्ले की हिंदू लड़कियों को उन्होंने पहले भी छेड़ा है। वही पास्को में बंद है, शायद सलमान का लड़का है बता रहे हैं ये। हमने बातचीत करी, बुलाने के लिए बोला कि भाई उस आदमी को बुलाओ जिसकी दुकान है। आदमी ने बहुत देर टाला, पहले कह दिया दुकानदार लड़के से कि वो कह रहे हैं कि बाहर हैं, अब फ़ोन करा कार्यकर्ताओं ने, फिर टालते टालते अब ये बंदा आया है, सच बताने का नाम ले रहा। फिर दूसरा एक हिंदू को पकड़ ले आया, बोले ये मेरा पार्टनर है और मेरा ये है। वो हमें जानकारी है कि कौन क्या गतिविधि कर रहा, क्या नहीं कर रहा। अखिलेश यादव प्रियंका गांधी के दौरे के ठीक 7 दिन बाद आज केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी रायबरेली पहुंच रही हैं। केंद्रीय मंत्री यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 27 नवंबर को वो रायबरेली दौरे पर पहुंची थी, यहां दिशा की बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी रायबरेली आज पहुँचेंगे, सुल्तानपुर और अमेठी भी वो जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कई परियोजनाओं की सौगात वो रायबरेली की जनता को देंगी। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में चुनावी और पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने घर में घुसकर पिता और बेटे को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट कर घायल कर दिया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए दबंग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां इलाज के बाद बेटे की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो जौनपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते पिटाई लोगों की तरफ से की गई, एक पक्ष की तरफ से दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई। साथ ही आपको बता दें कि कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और क्या मामला ये? जी हम लोग भाई प्रधान के साथ चुनाव के साथ रहते थे और अभी भी रहते हैं, और गाँव के हमारे लोग अलग अलग पार्टी बनाकर हमें मारते हैं। एक रईस है, सद्दाम है, कुलदीप, और एक उनका जियालाल का बेटा हुआ गुड्डू, उनका नाम है जो मारते हैं। जो मारते हैं, आपने शिकायत थाने के भी नहीं किया? थाने में 4 बार आ चुके थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। कानपुर आईजी जोन प्रशांत कुमार इत्र नगरी पहुंचे, उनको सदर कोतवाली में पुलिस ने सलामी दी। वहीं आईजी ने कोतवाली में मौजूद सिपाहियों के हाल जाना, साथ ही किसी दबाव में काम न करने की नसीहत भी दी। उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण करते हुए लंबित पड़ी विवेचनाओं के बारे में भी जानकारी ली। इसी के साथ ही महिला सिपाहियों से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद आईजी ने सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव की तैयारियों और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त बनाए रखने को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की गई। तो ऐसे में कन्नौज में आईजी जोन प्रशांत कुमार का स्वागत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया। कन्नौज की तीरवा तहसील के पास निवास कर रहे लोहा पीठ समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखकर एसडीएम राकेश कुमार त्यागी ने समाज सेवियों के सहयोग से उनकी बस्ती में पहुंचकर उन्हें ठंड से बचाने के लिए कंबल का वितरण किया, जिन्हें पाकर गरीब तबके के लोगों के चेहरे खिल गए। वहीं ठंड के दौरान गरीब तबके के लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने कंबल वितरण का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों को ठंड को देखते हुए कंबल बांटे जा रहे हैं और ठंड से बचाने का प्रयास लोगों को किया जा रहा है। जौनपुर के शहर कोतवाली में 3 छात्र महिलाओं ने ज्वेलरी के शोरूम से लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि दुकान से 6 महिलाएं 6 लाख के आभूषण लेकर फरार हो गईं। बताया जा रहा है कि चोरी देखने के बहाने तीनों महिलाएं आई थीं। वहीं चोरी करते हुए तीनों महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो तस्वीरें आप भी देख सकते हैं जौनपुर की, जहाँ 3 महिलाओं ने ज्वेलरी शोरूम में लाखों की चोरी को अंजाम दिया और
पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देख सकते हैं किस तरह से बड़े शातिर तरीके से तीनों महिलाएं एक के बाद एक सामान जो है दुकान से देखने के बहाने उठाती चली गईं, और ऐसे इन महिलाओं ने 3 लाखों की चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। फोन बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है, जवाब दीजिएगा। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इनसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। इसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दे दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं? हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया, तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड, तिलक चावला के साथ, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत में फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट 9 में हम बात करेंगे उस परत दर परत की, जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट 9 पर। देखिए भारत एट 9 कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बुलंदशहर के गांव नंगला बंसी में मंदिर की जमीन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां गांव में कई सालों से बने मंदिर में लगे झंडे, झोपड़ी आदि को नगर विधानसभा विधायक विमला सोलंकी की देवरानी गीता सोलंकी और उसके बेटे रवि सोलंकी ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट भी की। वहीं इस मामले को लेकर पुजारी और ग्रामीणों ने विधायक पर तानाशाही का आरोप लगाया है। तो बुलंदशहर का पूरा मामला है, जहां पर मंदिर में लगे झंडे ध्वस्त कर दिए गए, विधायक पर तानाशाही करने का आरोप यहां के लोगों ने लगाया है। ये हम तो आए के खड़े हुए थे, जब उसने झंडे चरा दिए तो हम आए थे सारे जने, झंडा क्यों चराए कि भाई हम तो झंडा चराएंगे हमारी जगह, वो जो तोड़ देवान पहले झंडा की जगह हमारे, हम झंडे चराएंगे और जो करना है कर लो हमारा। तो कहीं पे शिकायत, सीधी गाली गई है उसने, हम कहीं ना गए भैया, उसने गाली गई है बहुत गंदी गंदी भद्दी, और गाड़ी में तो कट्टा लाया लेकर मारने के लिए उसका लड़का। 19 तारीख को विमला विधायक की देवरानी गीता
रवि उसका लड़का मंदिर की जगह में आया नगला वंशी में, और उसने आकर के ग्रामवासी अपने अपने खेत कार्यों में लगे हुए थे, ग्रामवासी के कोई हमारे पास नहीं था, हमारा धुना चेतन हो रहा था, बिमला ने गीता ने आकर के और उसके लड़का ने रवि ने आकर के बाबा जी की पिटाई की और बदतमीजी की। तो मंदिर में जी जी आपकी पिटाई की जी। चित्रकूट के मानिकपुर में बीजेपी के चेयरमैन और उनके साथियों की एक व्यक्ति से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वहीं इस मामले में पीड़ित ने कहा कि उनके घर के बगल में निर्माणधीन इमारत से पानी गिरकर उनके घर में फेंकने को लेकर ये विवाद हुआ था। वहीं पीड़ित ने बताया कि उससे पहले नगर पंचायत चेयरमैन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया। वहीं मामले के पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। छत में मेरे पानी वहाँ से फेंकता है, ये बोल रहे तो मारे इसको, तो पयाला से सटक निकाल के पानी छोड़ा यहाँ, फिर भी वो तो आया चेयरमैन ऐसे जिगर पकड़ लिया, जिगर पकड़ लिया। उसका जो कनर है वो कनर है एक मिस्त्री मुनीम, वो लात घूंचा से मारने लगे। क्यों भाई, किसने मारा है आपको? विनोद चेयरमैन और उसकी गुर्गे। काहे के लिए मारे? फर्जी कह रहे थे कि तुम औरत को जो है क्या बोले हो, हम कुछ बोले नहीं, तीन दिन से ट्रैक्टर हमारा खड़ा है। अब कह रहा है कि ट्रैक्टर चढ़ा दियो, वो औरत जो है खूब यहाँ आ करके जो है गिड़गिड़ा करके बताया कि फर्जी लिखवा गई मेरे नाम, और मुझको जो है जबरदस्ती घर से घसीटते हुए दरवाजे में मारे। वहाँ 100 आदमी की भीड़, कोई बचा नहीं पाया मुझे। मेरे यहाँ रीढ़ की हड्डी में बंदूक मार दिया तो दर्द है रील की हड्डी में मेरे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बीजेपी की ओर से आयोजित जन विश्वास यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राज्य मंत्री देवेश कोरी समेत पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री और सांसद भी उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए साध्वी ने कहा कि जब से देश में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, तब से देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जगह जगह निकाली जा रही है और ऐसे में इस यात्रा में जनसभा में जन सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में लगातार हो रही चोरी की वारदात यहां के प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ताजा मामला यूपी के एटा का है, जहां चोरों ने एक और चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। आपको बता दें कि इस बार चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया। ये मंदिर पोस्ट ऑफिस में बना है, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा और मामले की छानबीन में जुट गया है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद हैं कि चोरों ने मंदिर को भी अब निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें एटा का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मंदिर को भी अब चोरों ने नहीं बख्शा और मंदिर में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम अब चोर देने लगे हैं। यानी कि जो शासन प्रशासन की तरफ से तमाम वादे किए जाते थे कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और कितनी कार्रवाई हो रही है ये साफ इस घटना से पता चलता है, क्योंकि जिस तरह से मंदिर में चोरों ने चोरी की है उससे साफ दिखता है कि अब चोरों के हौसले उत्तर प्रदेश में बुलंद हो गए हैं।
कोरोना के संभावित तीसरी लहर के बीच गाजियाबाद के लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल ने ECHMO मशीन लाई गई है, जिससे लोगों का बेहतर इलाज हो सकेगा। ये मशीन एक प्रकार की आर्टिफिशियल फेफड़े के तरीके से काम करता है और इससे बिना ऑक्सीजन और लाइफ सपोर्ट के खून को शरीर से बाहर फिल्टर कर उसको ऑक्सीजन देकर वापस शरीर में भेज दिया जाता है। वहीं इस मशीन को लेकर यशोदा अस्पताल का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पहला हॉस्पिटल है जिसमें ये मशीन लगाई गई है। ये कोरोना के लिए जैसे हमारे कोविड टाइम पे देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी शरीर में, तो हम इस मशीन के द्वारा बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे शरीर में, है ना। ये मशीन बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और ऑक्सीजन की पूर्ति करेगी शरीर के। किस तरह से करेगी? इसमें एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है, जो हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, खून बाहर आता है, इससे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वापस शरीर के अंदर ब्लड डाल दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ। देखिए, ज़रूरत थी और ज़रूरत को महसूस किया गया कोविड के दूसरे चरण के दौरान, खासकर जब फेफड़ों पे ज़्यादा असर होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्लड फ्लो ठीक ना हो, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिल के अंदर ठीक तरह से ना जाए, तो फेफड़े फिर दिक्कत में आ जाते हैं। तो इस मशीन से ये फ़ायदा होगा कि आप जो शरीर का जो फंक्शन है उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा, और जिससे पेशेंट को फ़ायदा हो। तो एक बहुत अच्छी मशीन है और हमें बड़ी खुशी है कि यशोदा ने यह मशीन लगाई, उत्तर प्रदेश में पहली मशीन आई है, और आशा है कि इसकी देखा देखी और लोग भी ऐसी मशीन अपने अपने हॉस्पिटल्स में लगाएंगे, ताकि जो भी मरीज़ हो उसको उसका फ़ायदा हो। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में कहाँ आएंगी? गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में भी आएगी आप, ठीक है। गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि अब गवर्नमेंट इसको देखकर टेंडर निकलेगा या जेम के अंदर जाएगा, उसके बाद जो इसको देगा उसके हिसाब से आएगी। वो एकदम से परचेज नहीं कर सकती ना सरकार, तो फिर आप ही लोग कहेंगे जी आपने ये मशीन क्यों खरीदी, फलां कंपनी की क्यों खरीदी, फलां की क्यों नहीं खरीदी। तो इसलिए सरकारी सिस्टम में आएगी, ऐसी बात नहीं है कि सरकारी सिस्टम में नहीं आएगी। सर, एक बार सवाल की